अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हज़रात, आमिर मलिक के साथ यहाँ पर मौजूद है। मीठे की हम सबको बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही थी। आपको पता है ना यार, मीठे की जब क्रेविंग होती है तो मीठा खाना होता है, और मीठा आपको पता है पेट में जाता ही नहीं, मीठा जाता है सीधा दिल में। तो बात ये है, मैं बच्चों को साथ लेकर आया हूँ, ये बहुत ही शरीफ बच्चे हैं, और हम लोग यहाँ पर मौजूद है। इस जगह का नाम है कि मेलो जॉर्ज चौरंगी से लेफ्ट पर आप आएंगे, आपको दिख जाएगा। आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ लेफ्ट जाना है, ये आप खुद सोचे। जॉर्ज चौरंगी से आएंगे आप, लेफ्ट पे आना है, किसी तरफ भी लेफ्ट चल जाए आपको मेलो मिलेगा। बाय द वे, गूगल मैप पे आप देख सकते हैं कहाँ पे है ये, और आप यहाँ जरूर है। लंबी करने से पहले खाना दिखा देते, क्रिमिनल में बैठे हुए हैं और हमारा खाना आ चुका है, मीठा हमारा खाना है। ये है पीना कोलाडा कोल्ड प्लेट। अच्छा, कोल्ड प्लेट क्या होती है आपने देखा, कटाकट आइसक्रीम की, पाइनएप्पल और कोकोनट का ये मिलाप। ये है किटकैट शेक, ये है स्ट्रॉबेरी शेक, विच इज ओरियो प्लस स्ट्रॉबेरी, लेकिन स्ट्रॉबेरी पहले लगाना है आपने। लुक एट दिस, दिस इज ओजी फालूदा, ठीक है। एंड देन ये है फेरेरो रोशर कोल्ड प्लेट, आप इसको रोजर फेरेरो भी बोल सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर है नटी निटला कोल्ड प्लेट, वेनिला विद हेसल नट की इसका कॉम्बिनेशन है, बड़ा बेहतरीन किस्म का। और फिर डबल टॉपिंग है, एक मैंने किया कॉटन कैंडी आइसक्रीम, चॉकलेट पीनट बटर आइसक्रीम और वाइल्ड बेरी आइसक्रीम। ये इटालियनो वाइल्ड बेरी आइसक्रीम जब भी आप यहाँ पे जरूर ट्राई करें, आपने ऐसा टेस्ट कभी नहीं आपने ट्राई किया होगा, ऐसा लग रहा है ड्रैगन फ्रूट से बनी है, बहुत आला है ये तो। हाँ, बेहतरीन शेक स्ट्रॉबेरी। अच्छा, पहले तो आप जब पियेंगे आपको लगेगा आप स्ट्रॉबेरी शेक पी रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको लगेगा आप ओरियो शेक पी रहे हैं। आपको रियलाइज होगा कि नहीं यार ये स्ट्रॉबेरी नहीं ओरियो है, फिर थोड़ी देर आपको लगेगा कि नहीं यार ये सीरा, यही सीरा नहीं दूंगा। अरुण तो कुछ भी कर ले, मैं नहीं दूंगा, ये तो बाप है, दिस इज माइंड। उसमें बचा क्या है, मैं क्या करूँगा उसका झाग कर। पीना कोलाडा वाली जो ये कोल्ड प्लेट है ना, इसके साथ आपने ये पाइनएप्पल उठाना है, और अगेन आप खाएंगे तो बोलेंगे यार शायद कोकोनट आइसक्रीम है, फिर नहीं पाइनएप्पल सर मिक्सचर है। पीना कोलाडा शेक पिया आपने, ये है आइसक्रीम सॉलिड। ये जो मैं खा रहा हूँ ये चॉकलेट लग रही है, लेकिन सिर्फ चॉकलेट नहीं है, चॉकलेट ब्रुनेट इसका नाम है आइसक्रीम का, और इसके अंदर चॉकलेट विद सॉल्टेड पीनट्स हैं। इनके पास जो आइसक्रीम की तीन कैटेगरीज हैं, एक होती है क्लासिक्स, क्लासिक्स वो है जो कि आपको तकरीबन हर जगह पे मिलेंगी, दूसरी है जलाटो और तीसरी है इटालियानो। जलाटो आइसक्रीम जो है ना एसेंस से मिलकर बनी है, और जो इटालियानो आइसक्रीम है ना वो ऑर्गेनिक है, उसका जो फ्लेवर है वो इन्होंने इम्पोर्ट किया है इटली से, एंड इट इज मेड इन पाकिस्तान। सो फर्स्ट टाइम एन आइसक्रीम विच इज वेरी मच ऑथेंटिक इटालियन एंड मेड इन पाकिस्तान, क्या बात है। जो इटालियनो आइसक्रीम है उसके अंदर इनके पास सिर्फ 8 फ्लेवर्स हैं, क्योंकि वो बहुत ही प्रीमियम आइसक्रीम है, और ये है वो, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। चॉकलेट पीनट बटर वाला टेस्ट आ रहा है इसका, चॉकलेट ब्रुनेट आइसक्रीम का नाम है। आमिर भाई खा रहे हैं ना, मेरी वही है, बट आई गारंटी कि आपको ये वाला फ्लेवर जो है कहीं भी नहीं मिलेगा, ऐसा फ्लेवर है, ये मीठा वाला नहीं है, ये खट्टा मीठा फ्लेवर है, आप इसको फालसे से कंपेयर कर सकते हैं, इट्स ओजी। फालसनी बेरी बेसिकली इसका नाम है, वाइल्ड बेरीज, वाइल्ड बेरीज। लुक एट द कलर, लुक एट द टेक्सचर। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ खाने के बाद। जो क्लासिक आइसक्रीम होती है ना, उसका जब स्कूप लेते हैं तो आपने देखा होगा कि आइसक्रीम टूट जाती है प्रॉपरली, एक ना गोल स्कूप नहीं बनता, लेकिन इसका जो वॉल्यूम है ना वो प्रॉपर होता है। उसका रीजन ये कि उसके अंदर एयर नहीं होती, तो जो स्कूप है ना वो पूरा आता है। दूसरी वाली में स्कूप पूरा नहीं आता, लेकिन इसमें स्कूप पूरा आता है, आइसक्रीम पूरी मिलती है, तो इस वजह से ये टेस्टी बहुत होती है, प्रीमियम आइसक्रीम है, क्वालिटी तो आउटस्टैंडिंग। लेकिन अब मैं खा रहा हूँ यहाँ पर फेरेरो रोशर कोल्ड प्लेट, ब्यूटीफुल। मेरा सवाल है नबील से कि तला अंजुम, तला यूनुस और उमर अंजुम में सबसे अच्छा कौन लगता है आपको, बताइए। तला यूनुस, अल्हम्दुलिल्लाह। और उमर अंजुम कैसा है? तला यूनुस, तला अंजुम, उमर अंजुम, उमर यूनुस। अब मैं बताता हूँ कि आइसक्रीम में क्या चीज है, हम नहीं, ये है वाइल्ड बेरी आइसक्रीम, ये इतनी मजे की है, इतनी मजे की है ये, इसके अंदर जैसे आमिर भाई ने बताया, इसके अंदर मीठा और खट्टा यूं उसका कॉम्बिनेशन बहुत मजे की है। मसला है कि मैंने फालूदा खाना शुरू किया, और सबसे अफसोस की बात यह कि इसमें से फालूदा नहीं आया, बाद में पता चला कि इस फालूदा का प्लाज्मा जो है आमिर मलिक ने निकाल लिया है, ठीक है। इस फालूदा के अंदर जो फालूदा होता है वो खींच खींच के इस बंदे ने पूरी तरह से ड्रिल करके और उसकी बोरिंग करके निकाल लिया है, जरा भी नहीं, प्लाज्मा ले लिया, चोर भाई है। तो उसकी वजह है कि टू बी ऑनेस्ट फालूदा बहुत जबरदस्त है। इस कोल्ड प्लेट का नाम है नटी न्यूटेला, नाम से समझ गए होंगे आप न्यूटेला तो है, साथ में वेनिला और हेजल नट का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। सो आप जब इसको खाएंगे ना तो मुंह में आएंगे काफी सारे नट्स एंड न्यूटेला, वाह हेजल नट्स। भाईजान सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब आप ये खाएंगे आइसक्रीम, ये देखने में क्या लग रही है चॉकलेट, जब आप खाएंगे तो सबसे पहले आपको इतनी जोर का धचका लगेगा धीरे से वाइल्ड बेरीज का, पहले तो वाइल्ड बेरीज का फ्लेवर आएगा, उसके बाद फिर चॉकलेट शुरू होगी। आई लाइक इट, इट्स नाइस, दिस इज क्लासिक किटकैट शेक, टॉप विप क्रीम एंड सम चंक्स ऑफ किटकैट, इट्स नाइस, इट्स टेस्टी, क्रीमी,
क्रीमालो की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कराची के अंदर इतने ज़्यादा आइसक्रीम्स में फ्लेवर्स कोई नहीं दे रहा। क्लासिक्स हो, इटालियन हो, जिलाटो हो, जितने भी प्रीमियम हो या नॉर्मल फ्लेवर्स हो, 55 प्लस फ्लेवर्स हैं इनके पास। माशाल्लाह से इट्स वेरी गुड। प्राइसिंग में से ऑब्वियसली लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि पता नहीं क्या महंगा होगा, बट मैंने ऑब्जर्व किया कि इनकी प्राइसिंग बहुत अच्छी है और जो इनका मैक्सिमम महंगी तरीन चीज़ है वो 300 के अराउंड है, उससे नीचे ये सारे डेजर्ट्स। इनकी आइसक्रीम जो है वो काफ़ी रीजनेबल प्राइसेस में और बहुत अच्छी क्वालिटी की है। मैं रेकमेंड करूँगा पर्सनली जो मैंने एक आइसक्रीम बताई थी वाइल्ड बेरी, मेरी तरफ से जरूर ट्राई करें। 100% मैं समझता हूँ कि जो है ना आप लोग पसंद करेंगे। मेरी रिकमेंडेशन सुन लीजिए भाई, सबसे पहले तो वाइल्ड बेरीज लाजमी लाजमी, चॉकलेट ब्रुनेट लाजमी लाजमी लाजमी, और स्ट्रॉबेरी ओरियो। अच्छा, कोल्ड प्लेट्स के अंदर मैं थोड़ा सा नई चीज आपको रिकमेंड करूंगा, पीना कुलाडा। अगर आपको पसंद है यू वुड लव इट, ये मेरी रिकमेंडेशन है। अनस की बात सुन लेते हैं, अनस क्या रिकमेंड करो कोल्ड प्लेट्स में? तो पीना कुलाडा अच्छा लगा देने वाला। कोल्ड प्लेट्स में तो पीना कुलाडा सबसे ऊपर, उसके बाद शेक्स में वही स्ट्रॉबेरी। पूछने बच्चे से भाई, मुझे सबसे अच्छा जो लगा ना वो तला यूनस लगा, सही है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग मैं बताऊँ तो वो आइसक्रीम वाइल्ड बेरीज बेहतरीन आइसक्रीम। क्या अच्छा लगा आपको? चॉकलेट ब्रोनेट अच्छी थी, और चॉकलेट बनोरिया टाउन के अलावा मैंने शेक पिया था ये वाला, ये स्ट्रॉबेरी शेक बहुत अच्छा था ये वाला। मैंने जो जो ट्राई किया ना मुझे सब अच्छा लगा। पीना कुलाडा अच्छा था लेकिन मेरे टाइप का नहीं है, मुझे चॉकलेट चीज अच्छी लगती है बस, बाकी सब अच्छा। एम्बियंस अच्छा है, प्राइसेस बहुत अच्छे हैं, सस्ते भी है महंगे भी है, आपको जो खाना खा लो। हुआ ये बॉबी के साथ हुआ ऐसा है, बेसिकली अरुण के साथ हुआ ऐसा है कि अरुण शूट करता था सब खत्म कर दिया, क्योंकि आइसक्रीम वगैरह छोड़ते नहीं है भाई किसी के लिए कि मेरे लिए छोड़ दो माना जी, तो नहीं जी। आइसक्रीम और प्राइस जो है ना आप याद रखिएगा, आप उठेगा पकौड़े भी। एम्बियंस बहुत अच्छा है लेकिन क्योंकि एसओपीस की वजह से अंदर सेटिंग हो सकता है उस वक्त ना हो जब आप देख रहे हो, अगर हो तो बिल्कुल आए। बहुत अच्छा म्यूजिक और बहुत अच्छी सीटिंग और ये टेबल बहुत अच्छी है लकड़ी की। बहुत ज्यादा थैंक यू, गुड नाइट। क्रीमालो की जिस ब्रांच में हम लोग यहाँ मौजूद हैं ये जॉर्ज सोलंकी वाली ब्रांच है, इसके अलावा दो और ब्रांचेस हैं इनकी, एक नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक एल में और दूसरी गुलशन डिस्को बेकरी के पास। लाजमी जाइएगा वहाँ पर। मीठा हम लोगों ने बहुत सारा खा लिया, मीठी मीठी यादें हम यहाँ से लेकर जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप भी यहाँ पर आएंगे क्रीमालो, और अगर आपके बच्चे हैं तो आप जरूर आए इस बहाने, और अगर आपके बच्चे नहीं है तो फिर आप खुद बच्चे आइसक्रीम खाने तो जरूर आएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सी आइसक्रीम ज्यादा अच्छी लगी। बिल्कुल, कौन सी आइसक्रीम आप खाना चाहते हैं ये भी बताएं कमेंट करके। और दूसरा ये कि अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सहेलियों के साथ, सबके साथ, घर वालों के साथ यहाँ पर आना है खाना है, दोस्तों की सहेलियों के साथ खाना है और हमें बताना है, ठीक है? खुश रहें, खाते रहें, मीठा खाते रहें और मीठी बातें करते रहें। सुभान अल्लाह, अब तुम बोल दो। सुभान अल्लाह, गुड नाइट, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।